ऑफ आगरा ने सेंट पीटर्स कॉलेज के सहयोग से एडीजी राजीव कृष्ण पुलिस आगरा जोन द्वारा चैलेंज ऑफ अर्बन पुलिसिंग एंड रोल ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स विषय पर आयोजित संगोष्ठी में विद्यार्थियों से पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से गंभीर रहने के साथ साथ एक भावी सदनागरिक बनने के लिए भी जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को समाज की सबसे बड़ी धरोहर बताया और कर्तव्यनिष्ठ रहने की अपेक्षा की। एडीजी राजीव कृष्ण ने कहा कि समाज परिवर्तनशील है, मैं के साथ कई नई परंपराएं शुरू होती हैं और पुरानों को पीछे छूटती रहती हैं। मौजूदा सामाजिक परिदृश्य में असहनशीलता एक बड़ा कारण है, जिसके फलस्वरूप विवाद और वाद लगातार बढ़ रहे हैं। लोग छोटे मोटे विवादों में भी सहमति नहीं बना पाते और पुलिस के पास पहुँच जाते हैं। आज मुझे यहाँ पर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना हमेशा एक बहुत ही प्रेरणादायी एक्सपीरियंस होता है और इसमें पुलिस के कार्यों के बारे में, उनकी अपने सेफ्टी के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, साइबर क्राइम्स के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। मुझे बहुत खुशी है कि इनमें से कई बच्चों ने अपने जिज्ञासा, अपने सवाल पूछे, जिससे कि इस स्कूल के द्वारा उनको दिया जा रहा एक कॉन्फिडेंस लेवल इशू होता है और साथ ही उन बच्चों की भी अपनी जिज्ञासा सामने आती है। एडीजी ने साइबर क्राइम के बढ़ते ग्राफ पर चिंता जताते हुए कहा कि सोशल मीडिया सहित किसी भी साइबर प्लेटफॉर्म पर सावधानी सबसे महत्वपूर्ण है और उन्होंने साइबर क्राइम के रेल तेड़ एडीजी आगरा के यूट्यूब चैनल पर देखने का आवेदन किया। Often, the person, the stalker, has false identity. अलग फोटो लगा लेता है अपनी, चाहे वो लड़की की फोटो लगा ले, चाहे वो और किसी की फोटो लगा ले, अपना अलग प्रोफाइल बना देता है जिससे कि नॉर्मली बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और शुरुआत में फ्रेंडली एक्सचेंजेस होते हैं और उसके बाद उस फ्रेंडली एक्सचेंज के बाद कोई स्टेज ऐसी आती है जब मान लीजिए वो टारगेट बच्चा जो है उस रिलेशनशिप से अलग होना चाहता है, जो आपका स्टॉकर है उसकी डिमांड्स अनरीजनेबल होने लगती हैं, उसकी डिमांड्स अनरीजनेबल होने लगती हैं इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर मिले, वहाँ मिले, पैसे लाओ, ये लाओ, जो भी व्हाटएवर गिफ्ट वगैरह, जो भी व्हाटएवर, जब अनरीजनेबल डिमांड होने लगती हैं और जो टारगेट बच्चा है या बच्ची है वो ही दे वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, साइबर रिलेशनशिप, देन दे स्टार्ट हाउंडिंग दैट, स्टॉकिंग दैट टारगेट। इट कैन बी वेरी ट्रॉमेटिक, it can be injurious, it can be harmful, it has led to suicide. सेंट पीटर्स कॉलेज के प्रिंसिपल फादर एंड्रयू कोरिया ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि हम शिक्षा देते हैं, कोशिश रहती है कि यहाँ से पास आउट होकर जाने वाला हर स्टूडेंट दायित्व बोध की समझ से परिपक्व हो। उन्हें खुशी है कि सेंट पीटर्स कॉलेज के मैनेजमेंट, स्टाफ और स्टूडेंट्स ने उत्कृष्टता की परंपरा को स्थापना के 175 वर्ष के धीर अवधि में भी कायम रखा है। रिगार्डिंग द ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, पुलिस पर्सनल कम एंड गाइड अस, सो वी सी सो मेनी पुलिस पर्सनल्स आर डिप्लॉयड इन डिफरेंट चौराया, इट वॉज नॉट डिप्लॉयड। इफ यू गो टू डिफरेंट वेस्टर्न कंट्री, आई माइसेल्फ हैव गॉन यूरोप कंट्री, if there is a red signal, even if it is in the night, nobody will cross that red signal. But here we arrive, the red signal is there and people make fun of the policeman and they violate the rules and regulations and that causes the accident on the chowra itself. Many people have died because of this. And then we have been made aware of the using the wearing the helmet. And there is a fine for also those who are not wearing helmet. Now you know recently our student died and many students also died because of the road accident because they did not have helmet. चर्चा में रहे बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। स्कूल शिक्षा के मंदिर हैं, विधि जानकारों और कानून पालन करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों से सीधा संवाद का छोटे से छोटा अवसर बच्चे खासकर किशोर के लिए जीवन पर्यंत बने रहने वाली एक यादगार होती है, जो कई अवसरों पर उन्हें सही गलत आकलन करने में सहायक होती है। मौजूदा दौर की एक सबसे अहम चुनौती नशेबाजी यह केवल पुलिस या अकेले सिविल सोसाइटी के स्तर से संभव नहीं है। हमारा अनुभव है इसके लिए दोनों को नजदीक आना होगा और सहयोग करना होगा। अगर हमारे पास मोबाइल है तो उसका सही ढंग से उपयोग करें और या किसी को अपना आईडी या अपना कोई भी ओटीपी नंबर पूछते हैं
पहले जान ले कि वो आदमी सही है नहीं, कहाँ से आ रहे क्या है, इसकी जानकारी बने तभी तो हम इसका सही रूप से उपयोग कर सकेंगे। तो एक सारे बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण था और अच्छा ये सेशन रहा। उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो वर्तमान में चल रही है क्राइम के बारे में उसमें अवगत करेगा सभी, इसका लाभ सभी के लिए हुआ। और आज हम लोग कॉलेज का 175वां साल मना रहे हैं, हमारे कॉलेज को 175 साल पूरा हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में ये हमारी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी हैं, उन्होंने इनका आयोजन किया। उन ADG मिस्टर राजीव कृष्ण को यहाँ बुलाया और उन्हें सभी बच्चों को संबोधित किया। सिविल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने अपनी एक 1980 के उन यादों को ताज़ा किया जब वह स्कूल में थे और कहा, अगर तुम अपने माँ बाप टीचर और प्रिंसिपलों की नहीं सुनोगे तो पुलिस वाला आकर समझा जाएगा। हम सेंट पीटर्स का 175वें साल में सिविल सोसाइटी भी कंट्रीब्यूशन करना चाहती थी तो हमने पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप के तहत ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें ADG साहब को हमने बुलाया था। और हमको ये खुशी है कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत सारी जिज्ञासाएँ थी, उन्होंने वो क्वेश्चन पूछे, यही हमारा मकसद था। और हम पुलिस के साथ आगे और भी ऐसे कार्यक्रम अलग अलग स्कूल में करते रहेंगे। नगर निगम के पार्षद डॉक्टर शिरोमणि सिंह ने कहा कि वह कानून व्यवस्था को अपने लंबे अनुभवों के आधार पर निटकता से जानते हैं और मानते हैं कि अगर सही दिशा दिखाई जाने के प्रयास लगातार जारी रखे जा सके तो बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को भटकने से रोका जा सकता है। प्रोग्राम में ओम सेठ, रामनंद चौहान, समीर कुमार, टोनी, राजीव सक्सेना, अनिल शर्मा, शिरोमणि सिंह स्कूल के छात्र, टीचर और मैनेजमेंट स्टाफ उपस्थित रहे।